इस क्लास में हम एनिमेशन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे कि एनिमेशन का किस तरह से हम यहाँ पर एनिमेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, और किस तरह से ये मूवमेंट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस तरह से हम ओवरऑल चेंजेस भी कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहे, जितनी बार चाहें आप वो कर सकते हैं। रिपीटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड आप इसके रिपीटेशन भी कर सकते हैं। ओवरऑल जितना भी तरीका होगा वो सारा का सारा मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको ओवरऑल डिस्कस करके बताऊँगा कि किस तरह से ये इमेज यहाँ पर यहाँ से इस तरह शेप में आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर दूसरा कलर फिर ओरिजिनल शेप में आ जाएगा जो उसकी ओरिजिनल शेप होगी। सबसे पहले स्टेप स्टार्ट